अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नगमा किचन। मैं हूं नगमा। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं वो बेकिंग की है और वो है लेमन। बताइए क्या होगा? लेमन बाइट्स हैं, ठीक है। तो बहुत मजे की हैं ये लेमन बाइट्स जो हैं, आप खाएंगे तो जरूर इसको एंजॉय करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक करिएगा, ठीक है, और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। चाहे देख लेते हैं इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं। सबसे पहले इसमें ये मैदा है, ये कप मैंने लिया है, एक ही कप मेजरमेंट के लिए रखना होता है। ये कप मैंने लिया है, डेढ़ कप के करीब मैदा है जो मैंने छान के रख लिया है, ठीक है। डेढ़ कप मैदा जो छान के रख लिया है, एक अदद अंडा जाएगा इसके अंदर, ठीक है, और इसमें ईस्ट जाएगा, ये 8 ग्राम के करीब ईस्ट जाएगा, ठीक है। ये पैक में जो होता है ये 11 ग्राम के करीब होता है, 11 ग्राम्स होता है, तो इसमें से 8 ग्राम जो है उसमें से हम डालेंगे, ठीक है, काम करके डालेंगे। मैं आपको जब मेजरमेंट करूंगी टेबल स्पून के साथ तो बता दूंगी कितना जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट जाएगा, आधा लेमन जाएगा और लेमन का जेस्ट जाएगा, ठीक है, इसका छिलका जो होता है वो जाएगा। अगर आपके पास हार्ड लेमन है फिर तो आपने उसको लेके ग्रेटर पे यूं करेंगे तो उसके नीचे से इसका ये देखिए इस तरह से उसकी पील निकल आती है, ठीक है, इस तरह से उसका जेस्ट जो है वो उतर जाता है। लेकिन अगर आपके पास वो हार्ड वाला लेमन नहीं है जो बड़े वाला होता है तो फिर आपने क्या करना है कि नाइफ से इसके छिलके यूं हल्के हल्के से उतार लेने हैं, लेकिन अंदर व्हाइट पार्ट ना आए, ठीक है। फिर आप व्हाइट पार्ट जो है उसको यूं करके निकाल देंगे, सिर्फ उसका ये येलो पार्ट है, ठीक है। फिर आप इसके छोटे छोटे से पीसेस करके काट काट के छोटे छोटे से पीसेस करके और फिर आप उसको डाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये देखिए इस तरह छोटा छोटा करके आप, क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं ना तो ग्रेटर से इसके छिलके नहीं उतरते हैं ऊपर से, तो लेकिन जो हार्ड वाला लेमन होता है, जो बड़ा वाला लाइम होता है, उसके उतर जाते हैं। तो अगर आपके पास ये सॉफ्ट वाला घर में है तो आप इसी को यूज करना चाहते हैं तो फिर आप इसको ऊपर से पील कर लेंगे और फिर आप इसके छोटे छोटे से व्हाइट पार्ट अंदर से निकाल के और फिर आप इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे, ठीक है। ये जाएगा 1 टेबल स्पून के बराबर या 1 टीस्पून के बराबर भी आप यूज कर सकते हैं अगर आप कम पसंद करते हैं। आधा लेमन का जूस जाएगा, ठीक है। ये पिसी हुई चीनी है जो घर में नॉर्मल चीनी होती है उसको पीस लिया है, आधा कप के बराबर ये जाएगी, ठीक है, और 4 टेबलस्पून के करीब इसमें हम ऑयल डालेंगे, ठीक है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले हमने अंडा ले लिया, हमने इसमें अंडा डाल दिया, अब हम इसको थोड़ा सा फेंट लेंगे, इसके अंदर पिंच ऑफ सॉल्ट, मैंने कहा था आपको पिंच ऑफ सॉल्ट डाल दी, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हम चीनी डालेंगे 1/2 कप के करीब, तो 1/2 कप के करीब हम चीनी इसमें डाल देंगे। ये हमारा 1/2 कप हो गया, 1/2 कप के करीब हमने इसमें शुगर डाल दी, मिक्स कर लिया, हम ऑयल ले लेंगे 4 टेबलस्पून के करीब इसमें ऑयल जाएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, 1, 2, 3 और ये हो गया 4 टेबलस्पून, ठीक है। 4 टेबलस्पून के करीब हमने इसमें ऑयल शामिल कर दिया, इसको मिक्स कर लेंगे। ईस्ट है, आठ ग्राम जो है वो ईस्ट हमने डालना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये 1 टेबलस्पून, ये देखिए 1.5 टेबलस्पून, ठीक है, 1.5 टेबलस्पून के करीब हमारा ईस्ट जो है वो इसमें मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा लेमन जेस्ट जो मैंने आपको बताया था इसके ऊपर से आप यूं करके, क्योंकि मेरा लेमन जो है ये भी सॉफ्ट है तो मैं इसके ऊपर से छोटा छोटा सा करके इसका पनीर देखें करके और पील कर लिए, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है क्योंकि ये हैं ही लेमन बाइट्स हैं तो इसमें इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। ठीक है, ठीक है, ये देखें
ये आपने उतार लिया, इसका वाइट पार्ट आपने यहाँ से यूं करके इसका अंदर से निकाल दिया और फिर आप इसके छोटे छोटे पीसेस कर सकते हैं। ठीक है, कटिंग बोर्ड पे रख के कर लें, पुरानी प्लेट है उसमें भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ठीक है, ये मेरे पास आ गया लेमन जेस्ट। और फिर इसी में से आप बेशक या नया दूसरा इसी लेमन को भी आप काट के यूज़ कर सकते हैं, और हाफ लेमन जो है वो हम ले लेंगे। मैंने आपको कहा था हाफ लेमन हमने इसमें लेना है, तो हाफ लेमन को हम स्क्वीज़र से स्क्वीज करके इसके आगे आधे लेमन का हमने जूस भी शामिल कर दिया। ठीक है, इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें मैदा थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने मैदा छान के रखा हुआ है, जब तक आप से इसके साथ होगा तो आप इससे करें, उसके बाद आपको हाथ से करना पड़ेगा। ठीक है, हैंड्स अच्छी तरह से वॉश कर लें या ग्लव्स आप यूज़ कर सकते हैं उसके साथ। फिर आप इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फिर आप इसको हाथ से करेंगे। ठीक है, इसको जिस तरह आप आटा गूंथते हैं या जिस तरह आप डो बनाते हैं उसका पिज़्ज़ा के लिए, तो उस तरह से आपने इसको गूंथ लेना। ये अच्छा सा सॉफ्ट सा आपका डो तैयार हो जाएगा। ये देखें, इस तरह का आपका सॉफ्ट सा डो जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये देखें। ठीक है, अब हमने इसको रेस्ट देना है। कोशिश करें कि इसको आधा घंटा एक घंटा जरूर रेस्ट दे दें। ठीक है, ये डो तैयार हो गए। अब मैं इसको कवर करके और एक घंटे के लिए रख देती हूँ। इसको कवर करके एक घंटे के लिए रख देते हैं, उसके बाद फिर आगे प्रोसेस शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूज ये देखें, मैंने जो डो बनाया था वो मैंने रख दिया था एक घंटा रेस्ट के लिए। एक घंटे के बाद ये देखें, ये डो जो है हमारा एक घंटा इसने रेस्ट कर लिया। ठीक है, ये अब हम इसके बना लेंगे लेमन बाइट्स। ठीक है, बस इस तरह से आपने लेने गोल शक्ल में आपने इनको बॉल्स से बना लेने हैं। ठीक है, ये आपने इसके बॉल्स बना लिए और थोड़ा सा मैदा आप प्लेट पे डस्ट कर लें और आप ये बॉल्स बना के तो इसके अंदर फिलहाल रखते जाएं। ठीक है, सारे बॉल्स हम इस तरह से बना लेते हैं। देखिए व्यूज, मैंने सारे बॉल्स बना ली हैं। ठीक है, ये लेमन बाइट्स मैंने सारे बना ली हैं और ये गोल गोल मैंने इसके शेप में बना ली है। अब ये हमने सॉफ्ट शुगर ली है, पीसी भी सॉफ्ट शुगर आपने ले लेनी है और इन बॉल्स को आपने इसके अंदर रोल कर लेना है। ठीक है, ये देखें, और ये ट्रे जो है इसको मैंने पहले बटर पेपर लगा के ग्रीस करके रखा हुआ, तो आप इसको अच्छी तरह से शुगर में कोट करके और फिर आप इनको इसमें रखते जाए। ठीक है, ये
सारे बॉल्स को इसी तरह हम शुगर में कोट करके और बेकिंग ट्रे में रखेंगे। ये देखें व्यूअर, सारे बॉल्स को मैंने शुगर में कोट करके, ये पीसीवी सॉफ्ट शुगर है, इसमें मैंने कोट करके सारे बॉल्स को बेकिंग ट्रे में ग्रीस करके रखा हुआ था, रखती हैं। ओवन को मैंने मार्क सबसे स्लोएस्ट हीट जो है, ठीक है, आपने ये देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ, सबसे स्लो हीट है ये देखें ओवन की। इसको मैंने आधा घंटा पहले गर्म कर दिया था, ये देखें इसका फ्लेम ऑन कर दिया था, ये अच्छी तरह से अब अंदर से गर्म है, तो इसमें हम इसको सबसे स्लोएस्ट मार्क वन है, मार्क वन पे मैंने इसको रखा हुआ है, ठीक है। तो आपके ओवन की जो सबसे स्लो हीट है आप उस पर रखेंगे। अब इसको हम बेक होने के लिए रखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये कितनी देर में बेक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है, ये देखें ओवन में चले गए, इसको वन पॉइंट कर दें क्योंकि इसकी हीट बाहर निकल आएगी। जी व्यूअर्स, देखें लेमन बाइट्स रखे हुए हमें तकरीबन 15 मिनट होने वाले हैं, और पूरे आप यकीन माने मेरे किचन में इतनी अच्छी खुशबू इनकी लेमन जेस्ट की और लेमन की और इनके बाइट्स की फैली हुई है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें अभी बेक हो रहे हैं और ये देखें इस पोजीशन में है, देखें नीचे से ऑलमोस्ट बेक होने वाले हैं बस। तो हम इनको 5-1 मिनट और रखेंगे, उसके बाद हम इनको निकालेंगे, ठीक है। चलें व्यूअर्स, ये देखें 20 मिनट हो गए हैं, मैं अब उसको ओवन को जो है उसको बंद करती हूँ, और ये देखें हमारे लेमन बाइट्स जो हैं वो तैयार है, ठीक है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि जो मैं यहाँ बड़ी अच्छी स्मेल कर सकती हूँ, अभी आप नहीं कर सकते, आप अपने घर में बनाएंगे तो फिर आप इसको स्मेल कर सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम इसको एक प्लेट के अंदर शिफ्ट करते हैं, ठीक है। देखें ये देखें नीचे से, ये देखिए नीचे से, ठीक है व्यूअर्स, ये देखिए हमारे लेमन बाइट्स जो हैं वो तैयार हैं गर्मा गर्म। आप चाहें तो सर्दियों में गर्म भी खा सकते हैं और थोड़ा सा ठंडा करके भी एंजॉय कर सकते हैं। चलें व्यूअर्स, ये टेस्ट करके देखते हैं कि हमारे लेमन बाइट्स कैसे बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए अंदर से इस तरह के, जैसे शॉर्ट केक्स होते हैं ना, शॉर्ट पेस्ट्रीज होती हैं, बिल्कुल उस तरह की। और इतनी अच्छी खुशबू है कि जब बनाएंगे तो आपका पूरा घर इसकी खुशबू से महक उठेगा। चलें आप टेस्ट करके देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जबरदस्त व्यूअर्स, बहुत मजे के हैं। लेमन जेस्ट की इसके अंदर से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, और जो लेमन डाला था उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। ये जो हमने ऊपर सॉफ्ट शुगर के साथ इसको कोट किया था उसके साथ मिक्स होके, इसको जरूर ट्राई करिएगा और फिर मुझे अपने कमेंट्स में अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये कैसे लगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है इस रेसिपी को, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की रेसिपी और उसका नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिल जाए। अल्लाह ताला आप सबको अपना हिफ्ज़ अमान में रखे, मुझे भी अपने दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।